नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लेट्स अनिल एम शाह फाउंडेशन द्वारा 500 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को फ्री नोटबुक, कंपास, पेंसिल आदि सामान वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष व बीजेपी के युवा नेता गौरव शाह ने बताया कि हमारी संस्था हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, साथ ही जरूरतमंद लोगों को मदद भी करती है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास खबर। सबसे पहले लेट अनिल एम शाह फाउंडेशन की तरफ से आप मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप हमें लिए कीमती समय लेकर यहाँ पे आए हैं, और साथ ही में जो भी फाउंडेशन में साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनकी उनके लिए हार्दिक कुछ शुभेच्छा देता हूँ कि आने के टाइम और हमें साथ में जुड़े हुए वो मेहनत करें आगे और मेहनत करें। आज के दिन हम लोग ने करीबन 1000 बच्चे लोग को किताबें बांटी है और 500 बच्चे लोग को कंपास बॉक्स वितरण किया है। हम लोग कार्यक्रम किया कितना बड़ा सहयोग रहता है आपकी टीम का? हमारी टीम का बहुत सहयोग रहता है, दिन रात मेहनत करते हैं हमारे साथ में, यहाँ जो यहाँ के लोग बाजू में खड़े हुए सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फुल सहयोग करते हैं हमारे फाउंडेशन में। इसके अलावा आपका फाउंडेशन और क्या क्या सामाजिक कार्य? हमारे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो दयांडी अपन करते हैं हर साल, और मेडिकल कैंप करते हैं अपन, और शिक्षा लिखते हुए ये बुक वो बच्चे को बांटने का काम करते हैं। गौरव शाह का था, हमने उनको यहाँ पे सपोर्ट किया है, और गौरव शाह हमारे ही गुजरी चल में युवा विभाग का अध्यक्ष है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। अभी अच्छा कार्यक्रम हुआ और ऐसे कार्यक्रम आगे करते रहे, ये हमारी शुभेच्छा इनके साथ में है। छोटी सी उम्र से ही गौरव साथ सामाजिक कार्यों में काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, हर तरह हर जगह पे आगे रहते हैं, इनके भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? इसलिए तो हमने उसको अध्यक्ष बनाया है ना, युवा का अध्यक्ष बनाया है, युवा अध्यक्ष तो पूरा जिला का युवा अध्यक्ष उसको बनाया हुआ है, तो इसी बेस पे हमने बनाया है ताकि वो आगे जाके काफ़ी अच्छा काम कर सके और उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। हमारे जितने भी पार्टी की ओर से है, हमारे कॉपरेटर है, हमारे MLA है, हमारे MP है, उनका काफ़ी उनको सहयोग रहेगा और हमारे कार्यकर्ता का भी उनको सहयोग रहेगा। अभी उनके ऊपर ये करते हैं निपट, वो कितना हमसे सहयोग लेना चाहते हैं और कैसे कार्य करना चाहते हैं, जितना हो सके इतना ज़्यादा ज़्यादा हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे उनको। जिस तरह से एरिया में इनका नाम है तो आने वाले दिनों में हम इनको भी उम्मीदवार मान सकते हैं किसी इलेक्शन में? वो सब बात की बातें हैं, अभी सिर्फ हम उनको आगे बढ़ने की शुभेच्छा दे सकते हैं। तो अभी काम करें, बाद में उसका पार्टी का डिस्क्रिप्शन है क्या करना है। इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, शुभकामना तो देना ही चाहूँगी, क्योंकि गौरव इनके पिताजी थे पहले यहाँ पे अनिल भाई शाह, अब उनके जगह पे उनका बेटा गौरव कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मतलब लगता है कि गौरव अपने पिता से भी? हाँ, लगता है, आएंगे करेंगे। हाँ, गौरव जी अच्छे व्यक्ति हैं, तो पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, युवा अध्यक्ष बने हैं, अच्छा कार्य चल रहा है, आगे ऐसे चलते रहेंगे तो विकास का रास्ता अच्छा पकड़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे और अपना भी विशाल मिसाल बनाएंगे। और अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे, अपने पिताजी का नाम और आगे बढ़ाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छे लड़के हैं, अच्छा कारोबार है। पंडित जी, आने वाले दिनों में गौरव शाह को किस रूप में देखना चाहेंगे? आने वाले समय में गौरव जी ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, तो कुछ भाजपा पार्टी जो है इनको आगे बढ़ने का रास्ता देगा और आप विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ योग्य पद पाएंगे। आप लोगों का कितना आशीर्वाद रहेगा उनके साथ? हम लोग को इनका कार्य में तो काफ़ी सहयोग है, 101% है, अब आगे भविष्य इनका भगवान जाने। राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज।